स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.3 उसके कुछ ही क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आप लास्ट वीडियो अगर मेरी देखोगे तो उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म्स दे रखी है और उसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्व करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप प्लीज सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1/7 इज इक्वल टू दिस और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की। ओके स्टूडेंट, तो उसने कहा कि विदाउट एक्चुअली डिवीजन, आपको एक्चुअली डिवीजन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो मैं आपको इसका इजी सा मेथड बताता हूं। आप 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 का आंसर कितना है, ये आंसर है, लिख देते हैं 0.142857। तो आंसर कितना आएगा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाएगा। अगर उसने 3 से माना है तो 3 × 1/7, मतलब 3 × 1/7 का क्या है हमारे पास, 0.142857। अब इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप लोग 4/7, 5/7, 6/7 इन सभी के आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा। इसमें विदाउट एक्चुअली डिवीजन, अगर हमें 1/something का आंसर दे रखा है, 2/same, 3/same अगर हम लोगों से पूछ लिया तो हम लोग क्या करेंगे, उस आंसर को 2 से 3 से 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया गया 0.6 bar को पी बाई क्यू में बदलो, 0.001 को पी बाई क्यू में, या आप मेरी लास्ट वीडियो से देख के कर सकते हो। क्वेश्चन फोर्थ में हमें बोला गया है कि 0.999 को हमें, एक सेकेंड, को हमें पी बाई क्यू में बदलना है। तो आप सेम उसी तरीके से इसको पी बाई क्यू में बदल सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया 1/17 को डेसिमल में बदलो। तो आप लोग प्लीज इसको लॉन्ग डिवीजन से 1/17 लगा के, हो सकता है 15-16 डिजिट तक रिपीटेशन शुरू मत हो, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन जाएगी। आप इसको ट्राई करना, कम से कम 16-17 डिजिट तक ये जाएगी, और फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ। हाँ जी, तो सिक्स क्वेश्चन में बोला गया कि डिफरेंट पी बाई क्यू की फॉर्म लो तो, और उसको पी बाई डेसिमल में कन्वर्ट करो और देखोगे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर भी एक बार देखो, 2 15 से करना है ना, 15 point, ओके, 0 1 पे गया, 15 5 0, आगे क्या आएगा हमारे पास, 3 5, चलता रहेगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2/15 का आंसर कितना आया, 0.13333, इसको और देखते हैं हम लोग, 12 25, और हमें किससे डिवाइड करना है, 12 से, point 0, हाँ जी, 4 100, आपको आती है डिवीजन, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, 8 200। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 12/25। आप अपनी तरह से भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11/2 को भी आप जब कन्वर्ट करना चाहोगे, 2 5 10 1 point 0 0 5, मीन्स आंसर कितना है हमारे पास, 11/2 का आंसर भी हमारे पास कितना है, 5.5। देखो ये डेसिमल के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, ये भी डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है। तो हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर खत्म होगा, कौन सा चलता रहेगा,
तो हम लोग डिनोमिनेटर उठाएंगे, किसको उठाएंगे बच्चों, डिनोमिनेटर को। हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से, हमने डिनोमिनेटर उठाया और इसके प्राइम फैक्टर किए, इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 3 × 5, इसका डिनोमिनेटर उठाया 25, इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 5 × 5, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2। ओके, तो हमने ये देखा कि जिसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 है, सिर्फ 2 है या 5 और 2 है, वो तो हमारे जाएंगे टर्मिनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए, 5 या सिर्फ 2, या दोनों 5 और 2 मिक्स भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके साथ और कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए, ना 3 ना 7 लाइक दीज। ओके, जैसे इसमें 3 आ गया था, 5 तो था लेकिन 3 आ गया था, तो 3 की वजह से एक इसमें चला गया नॉन टर्मिनेटिंग में, चलता ही जाएगा। ओके, तो हमने डिसाइड किया कि अगर डिनोमिनेटर में 5 और 2 आता है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि दो एग्जांपल लो, आप अपनी तरफ से दे सकते हो, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हो, इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग। ओके, जैसे 3.862859438, देखो कोई डिजिट तो रिपीट हो सकता है, 8 बहुत बार आया है, लेकिन कोई बंच का बंच रिपीट नहीं हो रहा, कोई सिक्वेंस नहीं बन रही थी, ये कंटिन्यू सिक्वेंस बन रही है। जैसे हमारे पास ये होता है ना 0.868686866, ये तो एक सीक्वेंस चल रही है, चलती जाएगी, इसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो 15.01001001001, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग में जाएगा। आप डिफरेंट एग्जांपल 0.02002, आप जितने चाहो एग्जांपल्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है, तो P by Q की फॉर्म में हम लोग इरेशनल नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले इनको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे। ओके, डेसिमल फॉर्म में आपको बदलना आता है, लॉन्ग डिवीजन से आप लोग इसको डेसिमल में बदलोगे। डेसिमल में बदलने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, हमें इसके बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं, तो 0.71, इसके तुरंत बाद 0.72 शुरू कर सकते हो आप, ठीक है, 02002002, ऐसे इरेशनल नंबर कुछ भी बता सकते हो आप, 0.73 शुरू कर सकते हो, 0.37 के बाद 01001001 लाइक दिस, 0.74 शुरू कर सकते हो, उसके बाद आपकी मर्जी जो मन में आए लिखो, 05050506089, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बता सकते हो 0.71 और 0.81 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि कैसे रैशनल और इरेशनल के हम लोग पहचान करते हैं। हमने इरेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में भी डिवाइड किया हुआ था, √23, रूट वाले बस कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होने चाहिए, सारे इरेशनल होते हैं। आपके ध्यान होगा इरेशनल में हमने पाई को लिया था, रूट वाले लिए थे √2, √3 लाइक दिस, √4 को नहीं लिया था क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग 0.01001001 ऐसे लाइफ टाइम चलने वाले। ठीक है, अगर आपको ये सारे एग्जांपल्स माइंड में है तो सब कुछ सही हो जाता है हमारे पास। तो √23 कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल गया हमारे पास। 2 × 5 15 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब √2 × 5 को आप लिख सकते हो 15, 15 क्या होता है रैशनल। ओके, 0. डेसिमल फॉर्म में है और डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट है तो इसका मतलब किस में चला गया रैशनल में। 478, 478, 478 ये भी हमारा रैशनल में ही था, 3 एग्जांपल दिए थे मैंने, P/Q की फॉर्म, डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग और डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, रिपीट हो रहा है एक बंच, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और लास्ट वाले क्या है हमारे पास 1.01001001, इसका एग्जांपल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था, यहाँ पे भी है। ओके, ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के थ्रू पूछे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर 9 पे डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे।